महावीर भवन भातसोड़ा में दशहरा पर्व के अवसर पर प्रवचन करते हुए नेपाल गौरव प्रवचन भूषण परम पूज्य डॉक्टर पूज्य ज्योति जी महाराज साहब ने फरमाया कि विजयदशमी के दिन राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तो अपनी मर्यादा के लिए जगत में विख्यात हुए ही, लेकिन रावण जिसको सभी तिरस्कार की नज़रों से देखते हैं, रावण के पुतले जलाए जाते हैं, वह मात्र रावण के अहंकार के कारण तिरस्कृत हुआ। यहीं देखा जाए तो रावण हजारों विद्याओं का धनी था, इंद्र आदि देवता उसके अधीन रहते थे, बल और पराक्रम का भी धनी था। रावण के जीवन में कई मर्यादाएं थीं, लेकिन यहाँ तक कि उसने मुनि सुव्रत स्वामी की भक्ति करके तीर्थकर गोत्र का बंध किया, जो आने वाले भविष्य में जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर बनेंगे। इस दशहरे के अवसर पर हम भी अपने अहंकार रूपी रावण पर विजय प्राप्त करें। इस अवसर पर बच्चों ने फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का सुंदर प्रदर्शन किया। चल रही आयम्बिल ओली आराधना में 24 तपस्वी प्रतिदिन आयलंबिन कर रहे हैं और उनको पूज्य श्री पूनम श्री जी महाराज साहब ने मैना सुंदरी त्रिपाल चरित्र का वाचन कर आयम्बिल की विधि करवाई। धर्म में था, धर्म में था, नीति में था, वो खाली उसकी बहन के कहने से, बहन के मुंह में आके उसने क्या करा, सीता का हरण करा, पर उसने अपनी मर्यादा भंग नहीं की, सीता को उसको नहीं छुआ, सीता का उसने बलात्कार नहीं किया। और सीता को खुद कहा रावण ने, जब तक तुम नहीं चाहोगी, जब तक तुम मुझे वरण नहीं करोगी, तब तक मैं तुम्हें छूंगी भी नहीं, उसने साफ बोल दिया था। तो रावण जो है, हम उसकी बुराई देखते हैं, पर रावण में ऐसी बुराइयां नहीं थी। उसने किंचित उसने मर्यादा भंग करने से आज उसको इतने समय से इतिहास से उसको बुराई के रूप में देखते हैं, पर जैन दर्शन कहता है रावण बहुत बड़ा एक योगी भी था। उसके पास मतलब हजारों विद्याएं थी, हजारों विद्याओं के साथ चारों वेदों का ज्ञाता था, अनेक विद्याओं का ज्ञाता था, और नौ ग्रह उसके मुट्ठी में थे, और बहुत सारे मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को उसने बंदी बना के रखा हुआ था, नौ ग्रहों को उसने बंदी करके रखा हुआ था। तो रावण के पास कितनी सिद्धियाँ थी, कितनी साधनाएं थी, कितनी तपस्याएं थी, कितना धर्म था, बहुत आध्यात्मिक था रावण, तभी तो उसने इतना कुछ पाया। बस उसने थोड़ा सा मतलब मर्यादा को खो दिया। तो मर्यादा को जो खोता है तो जीवन में विकृतियाँ आने देर नहीं लगती। तो आज का प्रवचन में था, हमारे जीवन में हम अपने को मर्यादित समझते हैं तो जीवन में विकृति आने का कभी भी चांस बन सकता है। इसलिए जीवन को हम संयम में रखें, संयमित बनाएं। जितना हम अपने जीवन को संयम में रखेंगे, संयमित बनाएंगे, उतना ही हमारा जीवन सुंदर बनेगा, अच्छा बनेगा, पवित्र बनेगा, महान बनेगा और हमारे जीवन का कल्याण।